दोस्तों आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले ही यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 6.36% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 6.45 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 6.69, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 700 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 750, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 800 और 825-850 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 623 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 601 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 583 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।